हेलो फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टेक टॉक्स में। इस वीडियो सीरीज में मैं आपको बी ट्री एक्सप्लेन कर रही हूँ। ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन किया हुआ है, उसके बाद मैंने इंसर्शन ऑपरेशन, डिलीशन ऑपरेशन एंड सर्च ऑपरेशन भी एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी इस वीडियो सेशन में मैं आपको बी ट्री का समरी एक्सप्लेन करने वाली हो। तो सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल टेक टॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, साथ ही साथ आप मेरे वीडियोस आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी ना भूलिए और ये बेल रिंगिंग रखिए, क्योंकि रिंगिंग बेल आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन देता रहेगा। तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि बी ट्री के डिटेल्स क्या है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन के वीडियो में इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ, तो यहाँ पे मैं इन शॉर्ट आपको डिटेल बताने वाली हूँ। इस टेबल में मैं आपको बी ट्री के बारे में बताने वाली हूँ, जहाँ पे सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि बी ट्री में मोर देन वन नंबर ऑफ कीज होते हैं हर एक नोड में। तो कितने नंबर ऑफ कीज हर एक नोड में होते हैं? मोर देन वन। कितने नंबर ऑफ चाइल्ड नोड्स होते हैं? तो वो भी मोर देन टू, क्योंकि अगर सिंगल वैल्यू एटलीस्ट होती है मेरी नोड में तो उसके लिए मिनिमम दो चिल्ड्रन नोड होते हैं, लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड। पर बी ट्री जो है हमारा, जिसपे हम मोर देन वन की स्टोर कर सकते हैं, इसलिए मोर देन टू नंबर ऑफ चाइल्ड नोड्स होते हैं हर एक नोड को। दिस ट्री ऑल्सो नोन एज एम ऑर्डर ट्री, क्योंकि एम जो होता है वो नंबर ऑफ चाइल्ड नोड्स होते हैं और उसपे ही ट्री का ऑर्डर डिपेंड करता है, इसीलिए इस ट्री को एम ऑर्डर बी ट्री भी बोलते हैं। अभी ये जो ट्री है बी ट्री, वो स्पेशली डिजाइन किया गया है ह्यूज डेटा स्टोर करने के लिए। ह्यूज डेटा अगर हमें स्टोर करना है तो उसके लिए हमें बी ट्री का हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो नोड साइज होता है वो इक्वल टू डिस्क ब्लॉक साइज होता है, क्योंकि जो ह्यूज डेटा होता है वो डिस्क पे स्टोर होता है। डिस्क से एक्सेस करना डिफिकल्ट होता है, उसको टाइम ज्यादा लगता है, इसीलिए आइदर ऑफ स्टोरिंग डेटा ऑन डिस्क हम बी ट्री में स्टोर कर रहे हैं। इसीलिए जो हर एक नोड का साइज होता है वो डिस्क ब्लॉक साइज पे डिपेंड करता है। तो अगर डिस्क ब्लॉक साइज का हम एक नोड बनाते हैं तो एक नोड में एक डिस्क का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। अभी आपको आगे याद रखना है कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। अगर हम हाइट के हिसाब से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख रहे हैं तो बिग ओ एच ये हमारा हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर हाइट के हिसाब से देखना है। पर अगर नंबर ऑफ नोड्स के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया बिग ओ लॉग एन, जो कि आपका बाइनरी सर्च ट्री के सेम है। पर बाइनरी सर्च ट्री में हम बहुत कम डेटा स्टोर कर सकते हैं, तो अगर हमें ह्यूज डेटा स्टोर करना है तो हमें बी ट्री यूज करना है। पर हमारे पास ह्यूज डेटा है फिर भी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ नोड्स अगर आप देख रहे हो तो वो बाइनरी सर्च ट्री से सेम है, इक्वल है, जो कि है बिग ओ लॉग एन। अभी इसका हम अपीयरेंस देखते हैं। बी ट्री का अपीयरेंस जो होता है वो फैट होता है, जिसको हम फैट ट्री भी बोलते हैं, जिसकी हाइट बहुत कम होती है, हाइट बहुत लो होती है, इसलिए इसे फैट ट्री बोलते हैं। क्योंकि एक ही नोड में हमें जो डिस्क की ब्लॉक साइज है उसके इक्वल एक ही नोड में नंबर ऑफ कीज हम स्टोर कर सकते हैं, इसलिए एक ही नोड में अगर हमारा डेटा, बहुत सारा डेटा, बहुत सारे कीज हम स्टोर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हाइट उसे कम लगेगी, और अगर हाइट कम है तो उसी ट्री को हम फैट ट्री बोलते हैं। तो ये हो गए डिटेल्स। अभी हम देखते हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्योंकि
आपको कौन सा भी अगर ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उससे पहले बी ट्री क्या है वो पता होना चाहिए। तो अभी हमने देख लिया, उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो सबसे पहले हम पहली प्रॉपर्टी देखते हैं। उससे पहले मुझे आपको बताने के लिए ये अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो एग्जाम्पल देख के आप समझ सकते हो हर एक प्रॉपर्टी क्या है। तो सबसे पहले आप प्रॉपर्टी देख लो कि सारे जो लीफ नोड होते हैं वो सेम लेवल पे होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे लीफ नोड्स जो है वो सेम लेवल पे है। अगली वाली प्रॉपर्टी जो है वो नॉन लीफ नोड के बारे में है, अगर वो रूट नोड नहीं है, मतलब कि सारे इंटरमीडिएट नोड। तो वो जो नोड्स होते हैं वो होते हैं उसमें मिनिमम कितने नंबर ऑफ कीज और कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन होने चाहिए ये बताने के लिए ये प्रॉपर्टी नंबर टू है। तो यहाँ पे m जो कि ऑर्डर होता है, m डिवाइडेड बाय 2 माइनस नंबर ऑफ 1 नंबर ऑफ कीज यहाँ पे होते हैं, और उससे एक ज्यादा मतलब m डिवाइडेड बाय 2 नंबर ऑफ चिल्ड्रन होते हैं। तो ये हो गया मिनिमम। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला ट्री जो है वो ऑर्डर 4 का ट्री है, इसके मतलब है कि m इक्वल टू 4। तो अभी हम यहाँ पे चेक करते हैं कि मिनिमम प्रॉपर्टी, मिनिमम नंबर ऑफ कीज वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे ये ट्री फॉलो कर रहा है या नहीं। तो m डिवाइडेड बाय 2 इज 2, 2 माइनस 1 इज 1, तो मिनिमम एटलीस्ट एक की यहाँ पे होनी चाहिए। तो एक से ज्यादा ही यहाँ पे हर एक नोड में की अवेलेबल है, और अगर एक की है तो m मतलब 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2, तो मिनिमम 2 नंबर ऑफ चिल्ड्रन होने चाहिए। तो यहाँ पे मिनिमम 3 हर एक नोड को चिल्ड्रन अवेलेबल है, तो सारे नोड ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि थर्ड प्रॉपर्टी क्या है। थर्ड प्रॉपर्टी भी नॉन लीफ नोड्स के लिए है जो कि रूट नोड नहीं है। अभी ये प्रॉपर्टी जो हमें बता रही है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज के बारे में बता रही है और मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड नोड्स के बारे में। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि m नंबर ऑफ मैक्सिमम चिल्ड्रन है, क्योंकि ये m ऑर्डर ट्री है, तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज कितने हम स्टोर कर सकते हैं, तो वो होते हैं m माइनस 1 नंबर ऑफ कीज। अभी यही एग्जांपल फिर से हम देखते हैं। तो ऑर्डर 4 है, ऑर्डर 4 इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन नोड कितने हो सकते हैं, 4, और मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज कितने हम स्टोर कर सकते हैं, 3। तो आप हर एक नोड में देख सकते हो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज स्टोर करने के लिए हमने प्रोविजन करके रखा है हर एक नोड में, जो कि होंगे 3, और उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड नोड होंगे 4। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ये नोड को स्पेसिफिकली 15, 21, 23, जिसमें 3 नंबर ऑफ कीज है। अगर इसका नेक्स्ट लेवल होता तो इस 15 का लेफ्ट चाइल्ड, 15 का राइट चाइल्ड जो है, 21 का लेफ्ट चाइल्ड, और उसके बाद थर्ड नोड होगा 21 का राइट चाइल्ड, जो कि होगा 23 का लेफ्ट चाइल्ड, और 23 का और एक राइट चाइल्ड होगा। इसका मतलब इसके मैक्सिमम 4 नंबर ऑफ चाइल्ड नोड हो सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी भी ये वाला ट्री फॉलो कर रहा है। अगली वाली प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है कि रूट नोड। अगर हमारे पास रूट नोड है जो कि नॉन लीफ नोड है, तो उस पे मिनिमम अ सिंगल की वैल्यू होनी चाहिए, और इट मस्ट हैव एटलीस्ट 2 चिल्ड्रन। अगर 1 की वैल्यू है तो उसका लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड, ऐसे करके मिनिमम 2 चिल्ड्रन उसके होने ही चाहिए। तो यहाँ पे तो 2 वैल्यू है, इसके लिए मिनिमम वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। अगला वाला प्रॉपर्टी आपको हमेशा याद रखना है कि हर एक वैल्यू जो होती है हर एक नोड में वो असेंडिंग ऑर्डर में होती है, क्योंकि ये वाला ट्री भी हम बाइनरी सर्च ट्री के इक्वल ही सर्चिंग ट्री है, जिसपे हम वही प्रॉपर्टी यूज करके वैल्यूज और कीज इंसर्ट करते हैं। अभी आप देख सकते हो कि हर एक नोड में जो वैल्यूज है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर में है, जाके 30, 70, 40, 50, 42, 49, 71, 73, 75 एंड सो ऑन। इसके साथ साथ मुझे एक चीज और बताने के लिए यहाँ पे कंपलसरी है, जो कि अगर हम 30 यहाँ पे देख रहे हैं तो उसके 2 सब नोड्स है, एक लेफ्ट सब नोड और एक राइट सब नोड। तो जो कि लेफ्ट सब नोड है उसके सारे की वैल्यू 30 से छोटे है, और जो राइट सब नोड है उसके सारे की वैल्यू 30 से ग्रेटर है। तो यही बाइनरी सर्च ट्री का प्रॉपर्टी बी ट्री भी फॉलो करता है।
और लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताता है, जो कि बी ओ लॉग एन है, जो कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में ही बता दिया है। अभी आप देख सकते हो कि इंसर्शन ऑपरेशन इन शॉर्ट हमें कैसे करना है और हम कैसे करते हैं। तो हम नया एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, वो हम इंसर्ट कर सकते हैं ओनली एट लीफ नोड। तो लीफ नोड पे ही हमें नया एलिमेंट इंसर्ट करना है, वो हमेशा हमें याद रखना है। तो जो नया की वैल्यू होगा वो लीफ नोड को ही अटैच होगा, और उसके बाद हमें चेक करना है कि जो इंसर्शन के बाद हमारे सारे बी ट्री के प्रॉपर्टी है वो सारे प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो हो रही है या नहीं। तो अगले स्लाइड में मैं आपको यही एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि ये सारे प्रॉपर्टीज हमें कहाँ चेक करनी होती है, मतलब कौन से सिचुएशन में हमें चेक करनी होती है। तो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी जो कि हमें हर एक इंसर्शन के बाद चेक करनी है, क्योंकि हर एक इंसर्शन के बाद हर एक की इंसर्ट हम जो कर रहे हैं वो लीफ नोड पे ही कर रहे हैं, तो वो सारे सेम लेवल पे है या नहीं हमें वो हर एक इंसर्शन के बाद चेक करना है। नेक्स्ट वाला प्रॉपर्टी है जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है नंबर ऑफ कीज और नंबर ऑफ चाइल्ड नोड्स के। तो अगर हमारा नोड जो है वो अभी सफिशियंटली वैल्यूज कैरी कर रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज कैरी कर रहा है, तो उसके बाद अगर नया वैल्यू हमें उसी नोड में डालना है तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये प्रॉपर्टी थ्री में हम देख रहे हैं कि m माइनस वन नंबर ऑफ कीज अगर हमारे पास है तो हमें नया वैल्यू इंसर्ट करने के लिए वहां पे परमिशन नहीं होती है, तो उस टाइम हमें स्प्लिट करना पड़ता है। ये सारी डिटेल्स मैंने मेरे इंसर्शन वाले वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई है, प्लीज आप वो देखिए, वहां पे मैंने एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जब हम स्प्लिट कर रहे हैं तो स्प्लिटिंग करते टाइम हमें ये चेक करना है कि जो नोड्स हम जिसमें हम स्प्लिट कर रहे हैं वो मिनिमम वाला प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि अगर मिनिमम वाला स्प्लिटिंग करने के बाद मिनिमम नंबर ऑफ कीज वाला प्रॉपर्टी अगर फॉलो नहीं हो रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो वो ट्री बी ट्री नहीं रहेगा। इसलिए स्प्लिटिंग करते टाइम हमें मिनिमम वाला प्रॉपर्टी फॉलो करना है। हर एक नोड जो हम इंसर्ट कर रहे हैं वो इंसर्शन के टाइम ही हमें चेक करना है कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज वाला प्रॉपर्टी भी फॉलो कर रहा है या नहीं, अगर नहीं तो हमें स्प्लिटिंग करना है जैसा कि मैंने अभी बोला है। अगर हम पहले टाइम कोई इंसर्ट कर रहे हैं वैल्यू तो उसको हम बोलते हैं क्रिएशन ऑफ ट्री। तो क्रिएशन ऑफ ट्री के टाइम ही हमें चेक करना है कि रूट नोड जो होता है जिसमें एटलीस्ट वन की वैल्यू होनी चाहिए और उसके मिनिमम दो चिल्ड्रन नोड होने ही चाहिए। अभी लास्ट वाला जो है वो जो है हमें क्या देखना है यहाँ पे कि हर एक नोड में हमें असेंडिंग ऑर्डर से ही वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो वो भी हमें हर एक इंसर्शन के टाइम हमें देखनी है। तो ये सारी प्रॉपर्टी हमें चेक करनी है जब हम इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। अगला वाला स्लाइड जो हमें एक्सप्लेन करने वाला है वो है सर्चिंग ऑपरेशन। तो सर्चिंग क्या होता है, जो कि हम अगर हमें कोई भी एलिमेंट कोई भी की वैल्यू हमें सर्च करनी होती है तो वो हम बी ट्री में से कर सकते हैं। वो हमें कैसे करना है वो भी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है मेरे सर्च वाले वीडियो में, इसी वीडियो सीरीज में आप देख सकते हो जहाँ पे मैंने एल्गोरिदम भी एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी अगर मेरे पास बाइनरी सर्च ट्री है जिसके इक्वल ही हमें ये वर्क करता है, बट बाइनरी सर्च ट्री बीएसटी हमारे पास है तो बीएसटी में हमें ओनली टू वे डिसीजन करने होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम टू नंबर ऑफ चाइल्ड नोड्स वहां पे होते हैं, बट यहाँ पे m ऑर्डर ट्री है इसलिए हमें m वे डिसीजन यूजुअली लेना होता है। तो ये सारे हमें हेल्प करते हैं सर्च करने के लिए। तो वो सर्च कैसे करते हैं वो मैंने ऑलरेडी वीडियो में सर्चिंग वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी हम देखते हैं डिलीट ऑपरेशन हमें कैसे परफॉर्म करना होता है। तो डिलीट, क्या हम डिलीट कर सकते हैं कोई भी वैल्यू? हाँ, हम बी ट्री में से कोई भी वैल्यू, कोई भी नोड में से कोई भी वैल्यू डिलीट कर सकते हैं। उसके लिए हमें थ्री केसेस फॉलो करनी होती है। तो ये थ्री केसेस क्या होती है ये भी मैंने डिलीशन वाले वीडियो में डिटेल में विथ एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि केस नंबर वन जो होता है, जो कि
लीफ नोड से हमें वैल्यू डिलीट करनी है और उसके बाद कोई भी प्रॉपर्टी वायलेट नहीं हो रही है, तो वो हो गया केस वन। केस टू जो है वो है अगर हमें इंटरमीडिएट नोड से वैल्यू डिलीट करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें केस टू फॉलो करनी पड़ेगी। और केस थ्री जो है वो फिर से लीफ नोड से वैल्यू हमें डिलीट करनी है, पर आफ्टर डिलीटिंग द वैल्यू लीफ नोड से कोई प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है तो हमें क्या करना है, वो मैंने केस थ्री में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये सारे हो गए थ्री केसेस। आपको डिटेल में चाहिए तो मेरा डिलीट वाला वीडियो आप प्लीज देखिए। अभी डिलीट करने के बाद हमारा जो ट्री है वो फिर से हमें चेक करना है कि सभी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है या नहीं। अगर कोई भी प्रॉपर्टी वहां पे फॉलो नहीं हो रही है तो हमें फिर से रीअरेंज करना होगा ट्री, जो कि हमारा ऑल प्रॉपर्टी फॉलो करेगा और उसे हम बोल सकेंगे कि हाँ ये बी ट्री है। तो अभी इस टेबल में हम देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी हमें कब चेक करनी है। तो सबसे पहला वाला प्रॉपर्टी है सभी लीफ नोड जो होते हैं सेम लेवल पे होते हैं। अगर मैं डिलीट कर रही हूँ कोई भी वैल्यू, हर एक वैल्यू डिलीशन के बाद मुझे ये चेक करना है। स्पेसिफिकली ये अप्लाई होता है केस वन और केस थ्री में, जिसपे हम लीफ नोड्स की वैल्यू हम डिलीट करते हैं। दूसरा वाला है मिनिमम वाला रिक्वायरमेंट, मिनिमम नंबर ऑफ कीज एंड मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो वो भी हमें हर एक नोड के कोई भी वैल्यू अगर हम डिलीट कर रहे हैं तो उसके बाद हमें चेक करना है। तो स्पेसिफिकली हमें ये चेक करना है केस टू में, क्योंकि केस टू में हम इंटरनल नोड इंटरमीडिएट नोड की वैल्यूज डिलीट कर रहे हैं और ये जो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर टू वो हमें नॉन लीफ नोड अगर वो रूट नोड नहीं है तो उसके बारे में ये बताती है। तो उसे टाइम हमें वो चेक करना है कि मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ कीज एंड चिल्ड्रन नोड वो फॉलो कर रहा है या नहीं। उसके बाद मैक्सिमम वाला हमें कब चेक करना है, अगर केस टू और थ्री में कोई भी टाइम अगर हमें मर्जिंग करना है। मर्जिंग क्या होता है, अगर डिलीट करने के बाद मिनिमम वाला रिक्वायरमेंट ये फॉलो नहीं करता है तो हमें मर्जिंग करना पड़ता है। पर मर्जिंग करते टाइम हमें ये भी चेक करना है कि दोनों नोड मर्ज करने के बाद ये जो मैक्सिमम वाला प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। अगर m माइनस वन नंबर ऑफ कीज चाहिए और मर्जिंग के बाद वो m नंबर ऑफ कीज हो रही है तो हमें कोई और सोल्यूशन देखना पड़ेगा। ये हमें सारी चीजें देखनी होगी केस नंबर टू और थ्री के लिए। अगर हमें रूट नोड वाला प्रॉपर्टी चेक करना है तो अगर हमें की वैल्यू रूट नोड से ही डिलीट करनी है, जो कि हमें केस वन और केस थ्री के बारे में सोचना पड़ेगा, तो उसी टाइम हमें उसका हाइट रिड्यूस करना होता है। और अगर हमें हाइट रिड्यूस करना है तो उसी टाइम हमें ये वाली प्रॉपर्टी सोचनी पड़ेगी। और द लास्ट वन जहां पे हमें असेंडिंग ऑर्डर मेंटेन करना है हर एक नोड के हर एक की वैल्यूज के लिए, तो उस वो भी हम हर एक डिलीशन के बाद हमें वो चेक करना है। जहां पे हमें पता है कि केस नंबर टू और थ्री में जहां पे रीशफलिंग रिक्वायरमेंट है वो रीशफलिंग करते टाइम हमें असेंडिंग ऑर्डर ध्यान में रखनी है। तो इस तरह से आपको सारी प्रॉपर्टीज कहाँ पे यूज करनी है, कहाँ पे चेक करनी है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा है, मुझे क्या बताना है, मैं क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ वो आप सबको समझ में आ रहा है। तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू गिव द कमेंट। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लिंक भी प्रोवाइड कर रही हूँ, उसके साथ साथ मैं कई और वीडियोज का भी शॉर्टकट लिंक यहाँ पे दे रही हूँ। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे आपको इसी वीडियो सीरीज का प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड कर रही हूँ। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।